हाय फ्रेंड्स, सरकार ट्रेडर्स चैनल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेडर्स चैनल में मैं कौशिक सरकार आपके साथ हर रोज की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी का पिन पॉइंट परफेक्ट एनालिसिस लेके आया हूं। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कहूंगा, ये बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। तो दोस्त, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जो मेरा जो एनालिसिस है, जो मैं पिन पॉइंट देता हूँ आपको, वो कितना हद तक सही है। दोस्त, इसी तरह का सेम एनालिसिस, सेम स्टॉक का व्यूज आप अगर खुद से सीखना चाहते हैं, खुद से निकालना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस आपको ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको 10 अप्रैल यानी कि परसों से स्टार्ट है। दोस्त, आपको पता होगा कल मार्केट क्लोज, परसों मार्केट क्लोज है, यानी कि 10 अप्रैल को मार्केट क्लोज है। सिर्फ 3 दिन का चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। दोस्त, आई थिंक मुझे ये नहीं पता है कि क्यों मेरा दिल में अभी ये वीडियो बनाते बनाते ये बातें आया। ये कोई टेक्निकल साइड से नहीं बोल रहा हूं, कोई किसी चीज से नहीं बोल रहा हूं। 3 दिन का चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, ये मुझे बात अभी जब मैं वीडियो का सेटिंग्स कर रहा था और जब मैं एनालिसिस कर रहा था, तब मुझे दिल में आया। तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो चलिए, ये हमारा आज का एनालिसिस था और मैं मार्केट में पूरा दिन नहीं बैठता हूं। ओके दोस्त, ये मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं मार्केट में पूरा दिन नहीं बैठता हूं, और ये जो मेरा रिजल्ट है, ये 11 बजे से पहले पहले तक ये रिजल्ट आ चुका था, और ये मैं आपके साथ इस टेलीग्राम चैनल पे, जो कि फुल्ली फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहां पे पोस्ट किया था। तो दोस्त, आई थिंक आप लोग इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे होंगे और इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्त, देखते हैं यहाँ पे मैंने आज के लिए क्या लेवल दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने देख पाए कि आपको ये बताया था कि मार्केट एक थोड़ा सा गिरावट आ सकता है, जो कि 8700 और 8600 तक जा सकता है। तो आपने देखे होंगे आज सुबह कितने डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद कहां से सपोर्ट लेके कहां ऊपर गया है। ओके, तो इसी तरीके से एनालिसिस ये होता है हमारा सरकार ट्रेडर्स का एनालिसिस। ये 8 तारीख का व्यू था, ऊपर कहां तक जाएगा, मैं क्या बताया था, ये 9150, और आप देखे होंगे जो ऊपर कहां तक आज है मेरा। ओके, नीचे सपोर्ट भी लिए, मैं बात किया था इस लेवल से नीचे आएगा तो मार्केट की स्थिति खराब है, और मार्केट जब टूटा है तो कहां आके रुका है। ओके, तो चलिए कल के लिए क्या लेवल, कल के लिए क्या लेवल आपके सामने आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। और जिन लोग एनालिसिस सीखना चाहते हैं, उन लोग पूरा वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि मैं एक एक चीज, एक एक पॉइंट, ऑप्शन चेन के माध्यम से मैं इस वीडियो में आपको बताने का कोशिश करता हूं। चलिए दोस्त, कल के लिए क्या दिख रहा है, कल के लिए देखिए, आपको जो बहुत ही छोटा लेवल दिया हूं 8850, बस इस लेवल से ऊपर आके अगर सस्टेन्स करता है तो यहां से फिर धीरे धीरे आपको 8950 तक जाने का उम्मीद है। देखिए, कल के लिए कोई 300-400 पॉइंट का उम्मीद आप नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है जब बहुत ज्यादा ऊपर भागेगा या तो बहुत नीचे भागेगा। मुझे लगता है कल के लिए आपको लगभग 300 पॉइंट के अंदर ही रह सकता है, लगभग 300 पॉइंट, हो सकता है 8850 के ऊपर सस्टेंस हो और इसके ऊपर थोड़ा सा 8950 तक जाने का कोशिश करे। ओके, अगर यहां से थोड़ा सा हल्का गिरावट आए और फिर अगर 8950 के ऊपर सस्टेंस करे तो आपको 9100 तक जाने का चांसेस बनाए। अगर ये कंडीशन ना हो के, ये कंडीशन ना हो के आपको 8690 या 680 इस लेवल को ब्रेक करता हुआ नीचे दिखाई दे, इस लेवल को ब्रेक करता हुआ नीचे दिखाई दे, तो आपको नीचे के लेवल 8550 8400 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्त, यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है कि 8300 ये मेरा बहुत एक बड़ा लेवल है, कि इस लेवल को पकड़ के रखना चाहिए मार्केट। अगर इस लेवल को तोड़ दिया कल यानी मंडे के सेशन में भी, तो मार्केट फिर से वो जो बात मैं कहा था, 3 दिन का चांदनी है फिर अंधेरी रात है, वो कंडीशन देखने को मिल सकता है। दोस्त, यहाँ पे तुरंत हम चले जाएंगे बैंक निफ्टी का क्या स्थिति। आज मैं बताया था बैंक निफ्टी में आप देखे होंगे कितना जबरदस्त रैली, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे कॉल दिया था 330 में कॉल दिया था, वो 1130 तक हाई दिया था, 1130 आपको मैं 100 पॉइंट का टारगेट देता हूं दिया था आज, और जिस दिन 10 से 20 पॉइंट का टारगेट देता हूं उस दिन 100 से 200 पॉइंट भाग जाता है। आज मैं 100 पॉइंट का टारगेट दिया था, वो 1000 पॉइंट पे चले गए। तो आप लोग इसका आनंद उठा रहे होंगे, मजा उठा रहे होंगे, और आप सोचते होंगे कि किस तरीके से ये एनालिसिस किया जाता है। ओके दोस्त, तो ये हमारा आज के लिए था, और कल के लिए क्या लेवल है इंपॉर्टेंट, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, कल के लिए बैंक निफ्टी का जो लेवल है 9 अप्रैल का, वो आपके सामने है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 19100 और 19250 एक रेंज दिया हूं, इस रेंज को अगर ब्रेक करके सस्टेंस करने को बनता है बैंक निफ्टी,
तो यहां से आपको 19,650 तक जाने का पॉसिबिलिटी बन सकता है। दोस्त कल एक्सपायर के दिन है, और एक्सपायर के दिन में आपको अगर 200 पॉइंट का भी बैंक निफ्टी का हलचल आपको समझ में आ जाता है, 100 पॉइंट का निफ्टी का हलचल समझ में आ जाता है, तो आप एक ही दिन में आपको पैसे को डबल जरूर बना सकते हो, लेकिन ये कंफर्म होना चाहिए। ओके, तो देखिए शेयर मार्केट ऐसी चीज है कि कोई 100% ठोक के नहीं कह सकता है कि यहां से यहां होगा ही होगा, ना कि मैं भी कह सकता हूं। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी, ये एनालिसिस मुझे अभी तक इस तरह का बन रहा है। तो आपको क्या लेवल दिया हूं, ऊपर 19,100 और 19,250। इस लेवल को अगर ब्रेक होता है तो 19,650 तक का ऊपर जा सकता है, और 19,650 लेवल को सस्टेन करता है और इससे ऊपर जाने को सक्षम होता है, तो आपको नेक्स्ट लेवल 20,340 तक का भी जाने का कोशिश कर सकता है, जा सकता है। और देखिए इसका जो नेगेटिव साइड आ रहा है, वो आपको क्या आ रहा है। नेगेटिव साइड में आपको यह ध्यान देना है कि 18,450 इस लेवल को ब्रेक कर रहा है क्या। देखिए 18,450 को लेवल को अगर ब्रेक करेगा, 18,650 एंड इसके बाद 18,450, देखिए 18,650 को अगर ब्रेक करेगा तो आपको फिर नेक्स्ट लेवल आपको 18,450 के आसपास जाता हुआ मिल सकता है, और 450 को ब्रेक करेगा फिर आपको 18,100 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्त यहाँ पे आपको केयरफुल रहने की जरूरत है और केयरफुल के साथ ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि एक्सपायर के दिन है। आप टेलीग्राम चैनल पे नजर बना के रखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको बैंक निफ्टी में या निफ्टी में एक एक कॉल देने का, मैं जरूर कोशिश करूंगा। और देखिए ये फुल्ली फ्री सर्विस है, आप लोग मुझसे कोई पेड सर्विस ना मांगे तभी बेटर है, क्योंकि फ्री सर्विस है और उसमें मेरा इतना ही जवाबदारी रहता है जैसे कोई पेड सर्विस में जवाबदारी रहता है। तो दोस्त सीधा हम चलेंगे हम टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे, हम ऑप्शन चेन पे, और बाहर का मार्केट के बातें भी यहाँ पे करूंगा। ओके फ्रेंड्स, ये हम टेक्निकल एनालिसिस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और ये मेरा फुल चार्ट है। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को हर रोज ये चार्ट के सामने ही रखते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जब मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा था, जब मैं भटकता था, कोई मुझे सिखाए कुछ तो बताओ क्या चीज है, तब मैं किसी एक डेमो क्लास का में बैठा था और उनसे मैं बार बार मैसेज करता रहा, सर आपका जो टेक्निकल एनालिसिस प्लेटफॉर्म है ये आप थोड़ा सा दिखा दीजिए, लेकिन उन्होंने डर के मारे मुझे बार बार नहीं दिखा, उन्होंने सिर्फ बातों में ही घुमाता रहा। और आपने भी कई सारे वीडियो उनको देखे होंगे, कुछ भी अगर पूछेंगे तो उन्होंने बातों में ही घुमाते रहेंगे, एक्चुअल फिगर एक्चुअल आंसर उन्हें देना ही नहीं है। और मैं भी उनसे पूछा था आपका टेलीग्राम चैनल, आपका जो टेक्निकल एनालिसिस प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा दिखाइए, उसने पूरा वीडियो में दिखाया ही नहीं, और अभी भी उसको शायद हर हफ्ता में 2-3 दिन छोड़ के डेमो क्लासेस आता रहता है, ठीक है, लेकिन डेमो क्लासेस में क्या लेवल देता है, क्या वो स्थिति है जो उन्हीं को पता है, आई थिंक उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना ही बोल रहा हूँ कि मैं आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस प्लेटफॉर्म ओपन करके कहता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर मार्केट में थोड़ा सा पुराने हैं, और मैं आपको बाद में इसका आंसर जरूर दूंगा कल का वीडियो में शुरू में। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है कैंडल स्टिक के भाषा में, और बढ़िया पैटर्न है। इस पैटर्न का मतलब क्या निकलता है, मतलब नहीं इस पैटर्न का नाम क्या है, ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं समझूंगा जी आपका अंदर सीखने का इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए यहां से हम क्या देख पाएंगे, यहां से हम देख पाएंगे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से ये नीचे जो 10 डेज लाइन आ रहा है यहां तक आने का चांसेस इसको बनता है। और ये जो रेंज बना है, देखिए एक रेंज हम देख पा रहे हैं, जो निफ्टी का एक रेंज बना रखा है। ओके, तो इस रेंज को जिस दिन ब्रेक होगा उस दिन ये ऊपर या नीचे जाने का क्षमता रखेगा। मैं आपको कल ही बताया था वीडियो में जो आज का क्लोजिंग बहुत जरूरी है, आज का क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होता है, तो निफ्टी शायद यहाँ से बाउंस बैक और तेजी आ सकता है। मैं आपको इसके साथ साथ और एक चीज दिखाया था, जो कि S&P 500 अमेरिकन मार्केट, का प्रोडिक्शन कल भी आप लोगों के साथ किया था कि हो सकता है ये जो इसके बाद इस लेवल के बाद हमें ये लेवल यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर तक का लेवल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देखिए 100 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है और वहां से गिरावट आया है। अब ये एक नेगेटिव बात है कि अमेरिकन मार्केट में फिर से गिरावट आ रहा है, और शायद ये गिरावट फिर से अगर इस तरफ का आए तो आपको फिर इंडियन मार्केट में भी गिरावट आएगा। अगर ये लेवल इस लेवल को ब्रेक करता है फिर और गिरावट आएगा। तो देखिए मैं इस वीडियो के माध्यम से इंडियन मार्केट के साथ साथ अमेरिकन मार्केट को भी प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता हूँ, ताकि हमारा एक्यूरेसी और बेटर और अच्छा मिल सके। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी का स्थिति हम देख लिए हैं और क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट है ये मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ।
तो मैं यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ, अगर इस हाई इस लेवल जो है 19,9200 इस लेवल के ऊपर जब तक ना जाएगा निफ्टी, तब तक आप उजाली रात का उम्मीद मत कीजिए। जो मैं बात किया हूं 2 दिन का तेजी है फिर अंधेरी रात है, उस बात पे आ जाइएगा। बैंक निफ्टी की स्थिति क्या देख रहे हैं, सेम जैसे निफ्टी का कैंडल बना है, सेम हम बैंक निफ्टी का कैंडल भी इसी तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सर्प, एक क्लियर तेजी और उसके बाद से गिरावट, एक क्लियर तेजी उसके बाद से गिरावट। लेकिन एक गिरावट के बीच में एक जो पॉजिटिवली बात है वो क्या है, एक जो पॉजिटिवली बात है वो है कि ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल हमें ग्रीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, पूरा दिन लड़ाई चला, हड्डा हड्डी चला, अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया था, लेकिन लास्ट में जिनको जीत हुआ वो किसका जीत हुआ, बायर का जीत हुआ। ओके दोस्त, लास्ट में बायर का जीत हुआ। तो यहाँ पे ये स्थिति बनने के बाद अगला दिन कैसे रह सकता है, अगला दिन आपको कैसे रह सकता है, अगला दिन बहुत ही ज्यादा नेगेटिवनेस उम्मीद कमी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस का उम्मीद रहता है यहाँ से। ओके, लेकिन ये लेवल आपको क्लियर है, इस लेवल को नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी भी आपको गिरावट दिखा सकता है। हम सीधा जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन जाने से पहले जो पेज मैं आपको दिखाता हूँ एनएससी इंडिया का साइड में, यहाँ पे आपको इंटरडे में अच्छा खासा कॉल मिल सकता है। यहाँ पे आपको मार्केट आवर्स में एडवांटेज और डिक्लाइन, इन चीज के ऊपर ध्यान देना है कि मार्केट आवर्स में यहाँ पे क्या स्थिति दिखाई दे रहा है, कितना शेयर एडवांटेज में है, कितना शेयर डिक्लाइन में है। देखिए आज जो स्थिति आप देख पाए हैं, यहाँ पे दोनों साइड बराबर है, ना बायर ज्यादा है ना सेलर ज्यादा है। ओके, जो एडवांस शेयर और डिक्लाइन शेयर देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिप्ला आज सुबह 9:16 में आपके पास सिप्ला का कॉल मेरा पहुंच गया था, और वो आपको 15 मिनट के अंदर ही अच्छा खासा टारगेट दिखाया है। तो यहाँ से आप इंट्राडे का कॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे आपको देखना है, मार्केट पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो यहाँ से कौन से स्टॉक ठीक ठाक ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है हाई वॉल्यूम के साथ, तो ये चीज आपको एक अच्छा कॉल दे सकता है, जो वो यहाँ से 1-2% आप मोमेंट आपको दिखा सकता है अगर मार्केट पॉजिटिवनेस में है तो। चलिए दोस्त सीधा देखते हैं ऑप्शन चेन का क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन में जाऊंगा और देखूंगा यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस और सपोर्ट हमारे सामने निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले जो सपोर्ट हमें निकल के आ रहा है, जो लाइन में खींच रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं 8,700 के ऊपर मैं लाइन खींच रहा हूँ, और फिलहाल नजदीक एट द रेट जो प्राइस है इसका नजदीक मुझे यही चीज दिखाई दे रहा है कि 8,700 के ऊपर पुट साइड में सेलर हमें ठीक ठाक दिखाई देने को मिल रहा है। इसका मतलब लोग 8,700 को तोड़ता हुआ फिलहाल नहीं देख रहा है। ओके दोस्त, लोग फिलहाल 8,700 को टूटता हुआ नहीं देख रहा है। अगर 8,700 को टूटेगा तो नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है कि कल का मार्केट 8,700 के ऊपर रह सकता है। अब रहने के बाद 10 बजे के बाद क्या होगा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने अगर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट मार्केट को उछाल दिया है, और यहां देखिए 8,900 के ऊपर क्या हो रहा है, 8,900 के ऊपर भी 4,90,000 का यहाँ पे कॉल सेलर, यानी कि फिलहाल जो रेंज हम देख पा रहे हैं वो आपको मैं सीधा लाइन खींचूंगा और 8,700 के साथ लाइन खींचूंगा, और मैं कॉल साइड में 8,900 के साथ लाइन खींचूंगा। यानी कि जो बात मैं थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि 200 से 300 पॉइंट के रेंज के अंदर कल निफ्टी रह सकता है, वो रेंज मेरा ये है। अगर इस रेंज को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से निफ्टी का स्थिति बहुत ही खराब हो सकता है। हम अगर कॉल साइड में बात करें और रेसिस्टेंस का, तो आपको रेसिस्टेंस पे नजदीक वाला जो रेसिस्टेंस है 8,700 पे आ रहा है। तो अगर 8,800 पे आ रहा है तो 8,700 से पॉजिटिवनेस दिखाएगा, तो सबसे पहले 8,800 जाता है, एंड 8,800 के बाद जो पॉजिटिवनेस साइड आता है वो 8,900 जाता है। ओके, 9,000 का लेवल पे भी ठीक ठाक हमें ओपन इंटरेस्ट दिखने को मिल रहा है। तो ये आपको 3 लेवल मिल गया है जो ऊपर रेसिस्टेंस के लिए, ये एक के बाद एक रेसिस्टेंस आपको ऊपर दिखाई देने को मिल सकता है। सपोर्ट हमें मिल गया है 8,700 का, 8,700 के नीचे कोई सपोर्ट हमें दिखने को नहीं मिल रहा है दूर दूर तक। हम पुट साइड में भी 8,900 के ऊपर 1,60,000 का फिगर यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो कल का क्लोजिंग कहाँ पे हो सकता है, तो दोस्त मैं यहाँ पे आपको एक फिगर दे सकता हूँ जो कि 8,800 से लेके और 9,000, मतलब ये 200 पॉइंट इसका बीच में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, जिन्होंने हमारे अंडर आस्था में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराया है उनके लिए क्या संदेश जा रहा है, आप बिल्कुल आराम से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से 9,000 का कॉल, 9,000 का कॉल आप सेल कर सकते हो। आप आराम से
7000 का पुट, सॉरी 8700, 8700 का पुट सेल कर सकते हो। ओके अभी प्राइस क्या चल रहा है, 8700 का पुट जो आपको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ये चल रहा है 106 रुपया, 9000 का कॉल क्या चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 9000 का कॉल फिलहाल तो 25 रुपया है, फिलहाल 25 रुपया है, तो इसका और नजदीक वाला कोई कॉल 8900। ये अगर कल 100 रुपया में मिल जाता है, देखिए एक तेजी आएगा तो ये आपको 100 रुपया में मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको 8700 का जो पुट है इसको आप सेल कीजिए ताकि जो तेजी आएगा ये तेजी से इसमें गिरावट आएगा। ओके तो आप यहां से 50 पॉइंट लेना चाहते हैं तो 50 पॉइंट बहुत आराम से इसमें मिल जाएगा। आपको अगर कॉल सेल करना है तो यहां से जब एक तेजी आएगा, तेजी आने के बाद आपने लगभग 12 बजे के बाद 9000 का जो कॉल है ये अगर 100 रुपया मिलता है तो यहां पे आप सेल कर सकते हो 11 बजे के आसपास का, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 9000 से ऊपर निफ्टी जाएगा नहीं, मुझे लग रहा है कि 8800 से नीचे, देखो नीचे तो जा सकता है, 8800 भी नीचे जा सकता है। तो पुट साइड अगर सेल करते हो तो ये सुबह सुबह करना है, और ऊपर जाने के बाद अगर आपको रेसिस्टेंस फेस करता है तो ये कॉल साइड का सेल दोपहर के बाद करना है। थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी होना चाहिए और वो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ पोस्ट करूंगा। तो दोस्त आप समझ गए होंगे जो क्या लेवल मैं दिया हूं। अब दोस्त बात आता है यहाँ पे कॉल पुट सेल करना हमारा बस की बात नहीं है, ये तो बड़े लोगों का खेल है दोस्त। हाँ हमारा बस की भी बात है, इसके लिए देखो आस्था ट्रेडिंग आपके लिए लाया है सिर्फ 9000 में कॉल सेल निफ्टी सेल और 6500 में बैंक निफ्टी सेल। तो अगर एक ही लॉट अगर सेल करते हो आप और उसमें अगर आपको 50 पॉइंट मिल रहा है निफ्टी में, आई थिंक ये काफी होता है, 50 पॉइंट यानी कि 3000 के आसपास का आपको मिलता है। ओके तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर बटन जरूर दबाएगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का और टेक्निकल चीज के बारे में वीडियो आप पाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो हम हर हफ्ते में 1 से 2 वीडियो आपको सीखने का लाइक वीडियो छोड़ूंगा। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मार्केट आवर्स में भी मैं कभी कभी वीडियो बना के छोड़ता हूँ मार्केट कैसे रह सकता है, तो वो वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू दोस्त, बाय बाय।